मौत ही का आने वाला एपिसोड होने वाला है दमदार। चलिए जानते हैं 20 अगस्त के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। नए एंट्रेंस जाने वाले हैं मौत ही के एपिसोड में। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं सीरियस पिक्स, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा जैन। दोस्तों मैं बता दूं आने वाला एपिसोड बेहद ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फिर से दोबारा पूर्वीर दोनों जुड़ने वाले हैं। और इस बार तो माता जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है कि इन दोनों का ही बंधन हमेशा के लिए सात जन्मों के लिए बंध चुका है। मैं बता दूं जब वीरेंद्र सारी बातें वीर को बताता है कि उसने जब ध्वनि की आवाज सुनी तो बिल्कुल पूर्वी जैसी लगी, वीर समझ जाता है कि आपके बस दिमाग में ये चल रहा है और आपको थोड़ा एक डिफरेंट एटमोसफेयर चाहिए। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे एक माता की चौकी का मंदिर है, तो वहां पर तुम्हें जाना चाहिए। वीरेंद्र माना उनकी कहना मानते हुए जाते हैं मंदिर में, और उसी टाइम पूर्वी यानी उसको पूर्वी जाती है दक्ष की दादी के साथ मंदिर में, जहाँ पे ये लोग इतने ज्यादा करीब होते कि बस एक गर्दन मुड़ने से ही दोनों एक दूसरे को आप देख पाते। पर दोस्तों कहाँ मान गए हमारे मेकर्स मौलवी कि वो दोनों को मिला सके। तो दोस्तों जब वो थाली खरीद रहे थे दोनों, तो इन दोनों बहुत ही बेहद करीब थे, पर नहीं दोनों की नजर एक दूसरे पे आई। जब इन दोनों ने घंटी बजाई, माता जी की घंटी बजाई, तब भी दोनों साथ में घंटी बजाते पर दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। पर दोस्तों यहाँ पे आता है अमेजिंग ट्विस्ट। जब पूर्वी अंदर जा रही होती है, जब पूरी पूर्वी मंदिर से बाहर आ रही होती है और वीरेंद्र जी और अंदर आ रहे होते हैं, तभी वीरेंद्र जी की थाली में से जो चुनरी होती है वो उड़ के हवा के झोंके से उड़ के चढ़ जाती है पूर्वी के सर पे। या दोस्तों पूर्वी का सर ढक जाता है। या दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भगवान ही चाहते हैं कि दोनों का जोड़ा हमेशा के लिए बने रहे। दोस्तों देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, दिलचस्प रहेगा कि क्या होगा आगे। क्या वीरेंद्र अब देख लेगा फाइनली पूर्वी को अपनी आंखों से, या फिर से ये टकराव बस एक टकराव की तरह ही रह जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए फॉर डेली लेटेस्ट अपडेट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।